हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन काउंसिल में। आज है 28 जुलाई दोस्तों, तो आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए, रेलवे, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, जो भी आपके एग्जाम होते हैं उनके जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, तो वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें आपके फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी कोटा बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का विधेयक पारित किया है अपने विधानसभा में अभी, तो बताइए दोस्तों इसमें क्या होगा, 27%, 56%, 18% या 21%, बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। इसमें होगा आपके 27%। तो देखिए दोस्तों, ये हाँ आपके मैप में मध्य प्रदेश यानी कि इंडिया में मध्य प्रदेश बिल्कुल बीच में हैं। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी दे लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है आपकी भोपाल, और सीएम है वो है कमलनाथ, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, और गवर्नर है आपके लालजी टंडन। देखिए दोस्तों, एक बार मैं वापस बता देता हूँ आपको, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैपिटल आपके भोपाल, सीएम है कमलनाथ और गवर्नर है लालजी टंडन। दोस्तों आपको हर एक स्टेट का कैपिटल, सीएम और गवर्नर, कैपिटल, सीएम और गवर्नर तो याद ही होना चाहिए बिल्कुल, ये किसी भी एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके लिए तो आपको बिल्कुल प्रिपेयर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की फीफा रैंकिंग में कौन सा स्थान है, यानी भारत का फीफा रैंकिंग में कौन सा स्थान है, तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 89, 103, 104 और 57। इसमें होगा आपके 103 फीफा में। अब देखिए दोस्तों, फीफा के बारे में देख लेते हैं। फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, याद रखना दोस्तों, फीफा की फुल फॉर्म होती है आपके फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका फाउंडेड हुआ था 21 मई 1904 को, 21 मई 1904 को। हेडक्वार्टर है इसका आपके स्विट्जरलैंड में, कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, और मेंबर है इसके 211 मेंबर। देखिए दोस्तों ध्यान रखना बिल्कुल, फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, तो इसमें इसका आपको ऑप्शन होगा 103। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं, अमेरिका की डिजिटल भुगतान कंपनी पेपल, अमेरिका की एक डिजिटल भुगतान कंपनी है पेपल, ने भारत में अपना तीसरा वैश्विक प्रौद्योगिक केंद्र स्थापित किया है, वो कौन सी जगह किया है, नई दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद या बेंगलुरु, तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। इसमें होगा आपके सी ऑप्शन, हैदराबाद होगा, ठीक है, ये देखिए पेपल है, ऐसे होता है इसका साइन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय टेबल टेनिस टीम का राष्ट्रीय कोच किसे नियुक्त किया गया है, जो भारतीय टेबल टेनिस टीम है उसका जो राष्ट्रीय कोच है वो किसे बनाया गया है। इसमें आपके ए ऑप्शन है क्रिस्टियन विलियम एंजेल देजान पापिक और मित्सु कोनो, बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपके। ये देखिए, ये है आपके, इसमें होगा आपके सी ऑप्शन। देखिए दोस्तों, सी ऑप्शन होगा देजान पापिक, ये हैं आपके देजान पापिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके फिफ्थ क्वेश्चन है, अमेरिकी रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है, अमेरिका में जो रक्षा सचिव है वो किसे नियुक्त किया गया है, जिम मेटिस, पैट्रिक सहान, मार्क एस्पर और रिचर्ड स्पेंसर, तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। दोस्तों इसमें होगा आपके सी ऑप्शन, मार्क एस्पर, ये हैं देखिए दोस्तों अमेरिका के रक्षा सचिव मार्क एस्पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य भगवान राम की सबसे ऊंची मूर्ति का निर्माण करेगा, बताइए दोस्तों, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति होगी, अपने जो अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी थी उससे भी ऊंची मूर्ति होगी, वो है आपके ऑप्शन है बताओ, यूपी, बिहार, केरल, तमिलनाडु, वो होगा आपके इसमें ए ऑप्शन, यूपी में होगी दोस्तों। ये देखिए, अब देखिए यूपी है जो अब मैप में दिखाया गया है वो रेड कलर का, वो है आपके यूपी। अब देख लेते हैं आपकी यूपी के बारे में, यूपी की कैपिटल है लखनऊ, यूपी की कैपिटल है लखनऊ, सीएम है आपके योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो अभी बनाई गई है गवर्नर आनंदीबेन पटेल, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, ये आपके सातवां क्वेश्चन, भारत का पहला ड्रैगन ब्लड रिसाव, भारत का पहला ड्रैगन ब्लड रिसाव करने वाला पेड़ हाल ही में किस राज्य में खोजा गया है, जिसको क्या बोलते हैं ड्रैगन कंबोडियाना ऐसे है कुछ, भारत का पहला ड्रैगन ब्लड रिसाव करने वाला पेड़ हाल ही में किस राज्य में खोजा गया है, बताइए दोस्तों। इसमें होगा आपके ए ऑप्शन, असम में, ये देखिए दोस्तों ऐसा दिखता है ये पेड़,
10 मीटर का है अभी, इसमें साइज साइज छोटी है। और इस 8वां क्वेश्चन है आपके, किस बैंक ने SB चैलेंजर नाम से एक अभियान शुरू किया है? तो बताइए दोस्तों, इसमें होगा आपके पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, या कॉरपोरेशन बैंक, या बैंक ऑफ इंडिया, बताइए दोस्तों। इसमें होगा आपके कॉरपोरेशन बैंक। तो देखिए दोस्तों, कॉरपोरेशन बैंक के बारे में कुछ देख लेते हैं। कॉरपोरेशन बैंक का हेडक्वार्टर है आपके मेंगलुरु कर्नाटक में। कौन सी जगह? मेंगलुरु कर्नाटक में। इसके MD एंड CEO है PV भारती, और इसका फाउंडेड हुआ था 12 मार्च 1906 को। कौन सी को? 12 मार्च 1906 को, ध्यान रखना दोस्तों। 9 क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का पहला नेशनल पार्क सिटी कौन सा शहर बना? यानी कि जो दुनिया का जो पहला नेशनल पार्क सिटी है वो कौन सा शहर बना है? तो बताइए दोस्तों, न्यूयॉर्क, मुंबई, और आपके लंदन, और स्टॉकहोम। इसमें होगा आपके सी ऑप्शन, लंदन। जो पहला नेशनल पार्क सिटी है वो बना है आपके लंदन शहर। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में DCC ने किस कंपनी पर 3,050 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो बताइए दोस्तों, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, या उपरोक्त दोनों, या फिर जियो, बताइए दोस्तों। इसमें क्या होगा आपके? इसमें होगा आपके वोडाफोन आइडिया और एयरटेल, दोनों होगा इसमें आपके, सी ऑप्शन होगा। लेकिन पहले हम देखेंगे DCC। DCC मतलब क्या होता है? DCC का DCC होता है आपके द डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन, द डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन। ये आता है आपके टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत। कौन से डिपार्टमेंट में? टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। तो द टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में आता है। तो इसके जो मिनिस्टर हैं आपके, वो कौन है? वो है आपके दोतरे संजय, दोतरे संजय। तो अभी जो इन्होंने फाइन लगाया 3,050 करोड़ रुपए का जुर्माना, वो लगाया आपके एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर। अब देखो, वोडाफोन आइडिया एक जगह आ रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले वोडाफोन और आइडिया कंपनी दोनों मिल गई थी, यानी मर्जर हो गई थी, इसलिए दोनों का नाम अभी एक जगह हो गया है, वोडाफोन आइडिया, अभी एक ही कंपनी है। तो इसमें होगा आपके सी ऑप्शन। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। हाल ही में ADB ने बिजली परियोजनाओं के लिए 1,925 करोड़ रुपए की मंजूरी कौन से स्टेट को दी है? केरल को दी है, त्रिपुरा, या तमिलनाडु, या उड़ीसा, बताइए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? इसमें होगा आपके बी ऑप्शन, त्रिपुरा। त्रिपुरा को ADP ने बिजली परियोजनाओं के लिए 1,925 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अब ADB क्या होता है दोस्तों? ADB होता है आपके द एशियन डेवलपमेंट बैंक, द एशियन डेवलपमेंट बैंक। फॉर्मेशन हुआ था इसका आपके 19 दिसंबर 1966 को, और इसके प्रेसिडेंट है अभी आपके तेकी काहो नाकाहने। देखो, तेकी काहो नाकहो, ये है आपके प्रेसिडेंट, और हेडक्वार्टर है इसके मनीला फिलीपींस में। कौन सी जगह? मनीला फिलीपींस में। देखिए दोस्तों, ये जो कंट्रीज है, अब आपको जो रंगीन दिखाई दे रही है वो है इसके 68 कंट्रीज, 68 कंट्रीज। जो ग्रीन कलर की है वो आपके एशिया पैसिफिक कंट्रीज, और जो ब्लू कलर की है जो है आउट ऑफ कंट्रीज, एशिया पैसिफिक के अलावा जो कंट्रीज है उनको बोलते हैं ये ब्लू वाली कंट्रीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके 12वां क्वेश्चन। किस IIT संस्थान के छात्रों ने बुजुर्गों की देखभाल के लिए केयर फॉर यू ऐप बनाया है? तो दोस्तों बताइए, IIT खड़गपुर, बॉम्बे, दिल्ली, या मद्रास ने? केयर फॉर यू होता है आपके दोस्तों, जैसे आपके कोई घर में कोई बुजुर्ग है, उन्होंने मतलब जो उनके जो दवाई होती है, या खाना वाना खाया है या नहीं खाया है, उनके बारे में आपको बताता है। तो इसमें होगा आपके ए ऑप्शन, IIT खड़गपुर। तो दोस्तों आगे देखते हैं। 13वां क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन, भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशक कौन है? कपिल देव, शांता रंगास्वामी, अजीत अगरकर, उपरोक्त सभी। इसमें होगा आपके उपरोक्त सभी, ये तीनों है, कपिल देव, शांता रंगास्वामी, अजीत अगरकर, इनके निदेशक है भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन ICA। तो अभी जो आपके कोच की जो नियुक्ति चल रही है, उनकी नियुक्ति भी यही करेंगे, जो मतलब ये तीनों है, कपिल देव, शांता रंगास्वामी, अजीत अगरकर, ये तीनों ही मिलकर डिसीजन लेंगे कि भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच, स्टाफ को मतलब कौन लेगा, जो फील्डिंग कोच है उनके बारे में डिसीजन भी यही लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके,
पश्चिमी रेलवे ने भारतीय रेलवे की पहली प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी किस शहर में खोली है? तो बताइए दोस्तों, जो पश्चिमी रेलवे है उसकी भारतीय रेलवे की पहली प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी किस शहर में खोली है? इसमें होगा आपके बी ऑप्शन मुंबई। कौन सी जगह खोली है? मुंबई में खोली है। अगला क्वेश्चन है आपके, ब्रिटिश संसद के उच्च सदन में किसे इंडियन वुमन ऑफ इन्फ्लुएंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा होगा इसमें? बीना मेहता, मीरा कोसी, किरण खत्री, प्रिया प्रियदर्शनी। बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपके? इसमें होगा आपके डी ऑप्शन, प्रिया प्रियदर्शनी। ये देखिए दोस्तों, ये हैं आपके प्रिया प्रियदर्शनी दर्शनी, जिनको इंडियन वुमन ऑफ इन्फ्लुएंस, ब्रिटिश संसद होती है, उन्होंने इंडियन वुमन ऑफ इन्फ्लुएंस अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाइपरबोला वन किस देश का पहला वाणिज्यिक रॉकेट है? बताइए दोस्तों, इजराइल, चीन, जापान या ऑस्ट्रेलिया। हाइपरबोला वन किस देश का पहला वाणिज्यिक रॉकेट है? ये देखिए दोस्तों, ये हैं आपके हाइपरबोला वन, ये हैं आपके चाइना का। कौन सी का? चाइना का। अगला है आपके, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रायोजक किसे बनाया गया है? बताइए दोस्तों, जो स्पॉन्सर होता है, प्रायोजक का मतलब आपको होता है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर से सही समझोगे, हिंदी देखो कितनी जटिल होती है, यहाँ पता चलता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रायोजक किसे बनाया गया है? बायजूस, ओप्पो, वीवो, सैमसंग। इसमें होगा आपके ए ऑप्शन, बायजूस। को ओप्पो तो पहले थे, लेकिन ओप्पो वालों ने मना कर दिया, भाई हमारे मतलब घाटा हो रहा है आ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी स्पॉन्सरशिप वापस ले ली और अब जो नया स्पॉन्सर बनाए बायजूस, जो कि आपके एजुकेशन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में लोक लेखा समिति PAC बोलते हैं इसको, के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपके? इसमें होगा आपके अधीर रंजन, अधीर रंजन भी ऑप्शन। ये देखो दोस्तों, ये हैं आपके अधीर रंजन, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वेस्ट बंगाल के जो है नाभा ग्राम, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो आपके है नाभा ग्राम, ध्यान रखना दोस्तों। आपके 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में आई एन एस तरकस जो अपनी भारतीय नौसेना का एक जहाज है, किस देश की नौसेना की परेड में भाग लेने पहुंचा है? तो बताइए दोस्तों, चीन, जापान, मालदीव या रूस। इसमें होगा आपके डी ऑप्शन दोस्तों, रूस। ये देखिए दोस्तों, ये है आपके INS तरकस। अब देखो, देखिए दोस्तों, रूस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। ये है आपके मैप में रूस, ये है क्या रूस। अब रूस के बारे में जानते हैं, रूस की कैपिटल है आपके मॉस्को। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। इसके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। इसमें आपको प्रधानमंत्री याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता इसमें, प्रेसिडेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट, व्लादिमीर पुतिन। और करेंसी है रशियन रूबल, रशियन रूबल। तो एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, कैपिटल है मॉस्को, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और आपके करेंसी है रशियन रूबल। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, हाल ही में द्विपक्षीय, ये आपके हाइड्रोकार्बन होगा, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो बताइए दोस्तों, इराक, ईरान, फ्रांस या सऊदी अरब। तो भारत ने द्विपक्षीय हाइड्रोकार्बन सहयोग के लिए, हाइड्रोकार्बन है दोस्तों याद रखना, हाइड्रोकार्बन सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? इसमें होगा आपके डी ऑप्शन, सऊदी अरब के साथ में। अब देखिए दोस्तों, सऊदी अरब है, ये हाँ आपके मैप में सऊदी अरब, जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये हाँ आपके मैप में सऊदी अरब। तो अब देख लेते हैं सऊदी अरब के बारे में, सऊदी अरब की कैपिटल होती है आपकी रियाद। कौन सी? रियाद। इसकी करेंसी होती है सऊदी रियाल, रियाल ध्यान रखना दोस्तों, रियाल। उसकी मतलब अभी मैंने आपकी रशिया की बताई थी, रशिया की थी रूबल, रशियन रूबल, और इसकी करेंसी है सऊदी अरब की सऊदी रियाल। और इसके किंग है, इसमें होते हैं आपके किंग, और वो आपके किंग है वो आपके सलमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? जो कर्नाटक नाम से भी जो आपकी विवाद चल रहा था कर्नाटक में, मीडिया वालों ने, उन्होंने मतलब कर्नाटक नाटक का नाम दे दिया था उसको, उसके अब उसका मतलब लास्ट
निष्कर्ष निकला है दोस्तों, तो उसमें आपके जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो हैं आपके कौन बताइए दोस्तों। तो पहले मुख्यमंत्री थे वो तो थे आपके एचडी कुमार स्वामी। कौन थे? एचडी कुमार स्वामी। और अब जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो हैं आपके बीएस येदियुरप्पा। देखिए दोस्तों, ये हैं आपके बीएस येदियुरप्पा जो शपथ ले रहे हैं, कल इन्होंने शपथ ली थी। जो ये मैंने न्यूज़ है मैंने आते ही आपको इंस्टाग्राम पे आपको बता दिया था, और अपने ट्विटर पर भी, आप वो ट्विटर पे क्या, उस पर टेलीग्राम पर भी मैंने आपको बता दिया था। तो आप दोस्तों, आप जो भी न्यूज़ होती है मैं आपको इंस्टाग्राम और आपके हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप इंस्टाग्राम और हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और तो ये हमें आप बताएंगे लाइक करके और कमेंट करके। और जो भी आपकी जो इंक्वायरी है, मतलब जो भी आपको कोई मतलब कुछ होता है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और अगर पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए एक बड़ा सा थैंक यू।